अगर दोस्तों आप भी अपने चैनल पर लोगो लगाना चाहते हो या फिर लोगो चेंज करना चाहते हो या फिर आप अपने लोगो को डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आपके पास पहले से डाउनलोड किया हुआ नहीं है और अगर आप अब उस लोगो को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां से आप लोगो को डाउनलोड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या फिर लोगो लगा सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ट्रिक को देखने के लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। तो दोस्तों मैं कैलाश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पृथ्वी की प्रकृति पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी YouTube ट्रिक से संबंधित नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको लोगो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर पर ओपन करना है। आपको यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप अपना लोगो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने पहले लोगो लगा दिया और अब आपके पास वो लोगो नहीं है तो ये सरल सी ट्रिक है, एक मिनट में आप अपना लोगो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना लोगो दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूर चैनल पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन है ब्रांडिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर या फिर लोगो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये रहा लोगो मेरे चैनल का। अब आपको यहाँ पर अपने लोगो पर माउस के कर्सर को लेकर जाना है और माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज एज। आप यहाँ पर सेव इमेज एज पर क्लिक करके इस इमेज को या इस लोगो को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करके मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। और अब आप चेंज किस प्रकार से कर सकते हो इस लोगो को, तो यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी लोगो लगाना चाहते हो वो यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन मैंने पहले से ही इस लोगो को लगा रखा है, मैं यहाँ पर फिर से लगाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लोगो चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से आप इस लोगो को हटा भी सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सरल से तरीके से एक मिनट में अपने लोगो को डाउनलोड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से आप ओनली वन मिनट में अपने लोगो को डाउनलोड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।